और मैं दिन में 3 किताबें एक साथ पढ़ता हूँ। एक मैं अपनी गाड़ी में पढ़ता हूँ जब काम पर जा रहा होता हूँ, एक मैं सोने से पहले पढ़ता हूँ, और एक आप ज़्यादा ना हंसे तो बताऊँ बाथरूम में पढ़ता हूँ। सो आई रीड ऑल 3 बुक्स। और मैंने बहुत सारी सेल्फ हेल्प और सेल्फ रियलाइजेशन की किताबें भी पढ़ी हैं, लेकिन इस किताब की एक यूनिकनेस है। हर किताब यही कहती है कि अच्छा सोचो, अच्छा दिमाग मिलाओ, अच्छे विचारधारा रखो, अच्छी विचारधारा रखो, लेकिन ये किताब के अंदर बताया गया है कि किस तरह वो विचारधारा आपके अंदर उत्पन्न हो सकती है। हाउ कैन दिस बी क्रिएटेड फ्रॉम द इनसाइड। एंड द सेकेंड यूनिक क्वालिटी ऑफ दिस बुक इज कि ये सब कहना बहुत अच्छा है कि अच्छी विचारधारा रखो, लेकिन हमारे अराउंड इतनी नेगेटिविटी रहती है, हम हमेशा बुरे ख्याल इंसान को बहुत जल्दी आ जाते हैं। बट ये किताब के अंदर ये भी बताया गया है कि कैसे वो सेंटर को, वो सोर्स को टैप करके हम बुरे ख्यालातों से बचें। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई होनी चाहिए। मैं इस किताब में से 2 पंक्तियाँ आपको बताना चाहूँगा कि हमें लगता है कि विचारों वाला रावण ज़्यादा शक्तिशाली है, पर उसे ताकत कहाँ से मिलती है? उसे ताकत हमसे ही मिलती है, हमारी सोच से मिलती है। इस किताब में उस सोच, उस सोर्स को कंट्रोल करना सिखाया गया है। और मैं इस्लामिक रिलीजन का हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। हमारे में एक वर्ड है जो बहुत मिसयूज़ होता है, जिहाद। जिहाद का भी थॉट प्रोसेस बिल्कुल यही है कि हमारे अंदर जो बुरी सोच है उसको कॉन्कर करना, उसके लिए लड़ना, उसे जिहाद कहते हैं। बाहर सड़कों पे लोगों को मारने को जिहाद नहीं कहते। 2-3 बातें और कहूँगा लोगों के बारे में जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया है। इनसे मेरी मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लगा मुझे। जैसा मैंने कहा कि सुबह उठते ही अच्छी थॉट सोचो, इस किताब में 2-4 लाइनें और ऐसी हैं जो मुझे लगता है हमको सोचने पर मजबूर करती हैं। इफ़ यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड इफ़ यू थिंक ओनली गुड थॉट्स, किसी के लिए बुरा मत सोचो, सिर्फ अपना अच्छा सोचो। मैं बड़ा सेल्फिश आदमी हूँ और मैं बिलीव करता हूँ कि अगर दूसरों का सोचने का मौका ना मिले, अपने लिए भी सिर्फ अच्छी बात सोचो। ये मत सोचो कि दूसरा हार जाए, ये सोचो कि मैं कैसे जीतूँ। इट्स ओनली अ वे दैट यू कैन टर्न अराउंड द सेम थॉट। बिकॉज एज दिस बुक सेज, विश्व में किसी भी चीज़ की के भौतिक निर्माण के लिए के से पहले उसका विचारों में निर्माण होता है, विच इज ट्रू। आई बिलीव ऑल थिंग्स क्रिएटेड इन दिस वर्ल्ड आर क्रिएटेड बाई आर ओन थॉट्स। जो विचार होश और जोश में किए जाते हैं वे ही हकीकत को बदलते हैं। दुनिया वैसी नहीं है जैसा आप सोचते हो, दुनिया वैसी है जैसे आप हो। सो जो भी आपको कभी कभार दिल में आता है कि ये इंसान में से अच्छाई नहीं कर रहा है, ये घटिया है, ये बुरा है, ये जो सिचुएशन है अच्छी नहीं है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप अपना नजरिया बदल के रात को सोने से पहले उसी आदमी के बारे में उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसी सिचुएशन को एकदम नेगेटिविटी के बिना देखें, तो आपको मालूम पड़ेगा कि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है। आपके अराउंड जो लोग हैं, दोस्त हैं या दुश्मन जिन्हें आप समझते हैं, वो एक्चुअली दुश्मन नहीं है। सो इट इज़ द वे यू थिंक ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ हाउ द वर्ल्ड विल लुक टू यू, इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस बुक। मुझे अपनी भी मुझसे पूछा इन्होंने सवाल, मैंने पूरा जवाब नहीं दिया कि मैं जब छोटा था तो कैसा सोचता था। मैं सोचता था कि इतना बड़ा स्टार बन जाऊंगा। आई रिमेंबर मैंने टीवी में एक सीरियल किया था, आप लोग शायद बहुत सारे यहाँ पे छोटे इन्होंने देखा नहीं होगा, एक फौजी सीरियल किया था मैंने। एंड पहली बार जब मैं सड़क में जा रहा था तो मैंने देखा 2 औरतें 3-व्हीलर में हैं, और सडनली उन्होंने मुझको देखा। मेरा नाम उस सीरियल में अभिमन्यु राय था, फौजी में, और सडनली उन्होंने मुझे देखा और मैंने नोट किया कि उनके मुंह पे इतनी बड़ी मुस्कान आ गई है मुझे देखते ही कि हाय शाहरुख, शाहरुख ऐसा करके वो चिल्लाने लगे। एंड टू मी द ग्रेटेस्ट मोमेंट इन माई लाइफ एंड द ग्रेटेस्ट डिजायर इन माई लाइफ बिकेम कि मैं लोगों को मुस्कुराने की रीज़न दे सकूँ, उनको मुस्कुराने का रीज़न दे सकूँ। तो जब मैं मुंबई आया, जैसे जवान लोगों के थॉट्स होते हैं कि मैं बहुत पैसे कमाऊँगा, बहुत नाम कमाऊँगा, बड़ा घर करूँगा, मेरे दिमाग में 2 मेन चीज़ें इन सब मटीरियल चीज़ें